अक्सर करके लोग मुझसे कहते हैं कि बताते तो वही हो जो हो रहा है, मगर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? अजीब तरह के टर्म यूज करते हो, जैसे इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, हार्प, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सैटेनिक, सैटेनिक सोसाइटी वगैरह वगैरह। तो आइए आज मैं आपको बड़े ही आसान लफ्जों में बताता हूँ कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो आप सब लोग पॉलिटिकल सिस्टम तो समझते ही होंगे, जैसे खिलाफत, कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब पॉलिटिकल सिस्टम ही हैं। इसी तरह अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अब कहने में तो ये ऐसा लगता है कि ये एक फील्ड है पॉलिटिक्स की, लेकिन इसका इम्पैक्ट हर इंसान पर होता है और हर तरह से होता है। मतलब कि ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका बन जाता है। जैसे हम खिलाफत में रहते थे तो शरीयत थी, काजी थे जो शरीयत की रोशनी में फैसला सुनाया करते थे। इसी तरह इंडिया में डेमोक्रेसी थी, जी हाँ थी। उसमें इंडिया में रहने वालों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन था, जी हाँ था। उसी पर चलते थे, अदालतें थीं जहाँ आईन के हिसाब से इंसाफ हुआ करता था। ऐसे ही कुछ लोगों के ग्रुप ने एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया। अब जैसे खिलाफत में शरीयत है, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस पर बेस्ड है ये मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इस सिस्टम को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप भी इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें। ये सिस्टम जिन लोगों ने बनाया है उनका मानना है कि पूरी दुनिया इनके हिसाब से चले और जो इन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है उसी के अंदर सब कुछ रहे। ये लोग इस सिस्टम को लाने के लिए बड़े लंबे वक्त से अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे थे और अब धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में आता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि यूरोप में तो ये पूरी तरह से आ भी चुका है, एशिया की लगभग हर कंट्रीज में लागू किया जा चुका है, यहाँ तक के इंडिया में भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ग्रुप कौन सा है जिसने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाया है। इसको बनाने और लागू करने वाले ग्रुप इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जिन्होंने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब तो हर पर्सनालिटी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है जिसका भी टच इंटरनेशनल लेवल पर है। हमारे यहाँ के मोदी जी भी इसमें आ चुके हैं। अब दूसरा सवाल है कि ये नया सिस्टम होगा किस तरह का? क्या अभी तक सही सिस्टम नहीं था जो ये लोग नया सिस्टम लेकर आए हैं? इट डजंट मैटर कि आप इस नए सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, आपको इसका एक हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा, आपको इसमें शामिल होना ही पड़ेगा। ये लोग चाहते हैं टोटल कंट्रोल, यानी इन्हीं के हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे और हम फिलहाल भी इन्हीं के हिसाब से जिंदगी गुजार रहे हैं। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये नया निजाम होगा किस तरह का और इसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, इसकी क्या क्या गाइडलाइंस होंगी। मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आप कहेंगे तो अपलोड कर दूंगा। आप हमारी आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी दूसरों तक पहुंचे तो शेयर भी कर सकते हैं। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट सारे फ्री हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। खैर आगे बढ़ते हैं, अब आप कंक्लूजन सुन लें। इसमें लेडीज भी वर्ल्ड प्लेस में शामिल हो सकेंगी, सारी जमीन गवर्नमेंट की होगी, सारी करेंसीज खत्म कर दी जाएंगी, सारे मजाहिब खत्म कर दिए जाएंगे, सारे पॉलिटिकल सिस्टम खत्म कर दिए जाएंगे, सारी आर्मी सिर्फ एक ही ग्रुप के अंडर में रहेगी और भी बहुत कुछ है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो लोगों में गलत फहमियां हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली, लोगों का कहना है कि ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यानी साजिश है। तो मैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ये बस एक थ्योरी होती तो ना तो इसको इंटरनेशनल लेवल के लोग अपनी तकरीरों में शामिल करते और ना ही मिस्टर मोदी पार्लियामेंट में इसके बारे में बताते और ऐसे ही अमेरिकन डॉलर पर बिला वजह लैटिन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ना लिखा होता और ना ही आर्ट के स्टूडेंट के सिलेबस में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम का कोई टॉपिक होता। तो आप इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए कि ये बस एक थ्योरी है, बल्कि ये एक सच है और अब तो इसको एक्सेप्ट करने पर बात है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं
कि जितनी जल्दी आप इसको सच मानेंगे आपको उतनी जल्दी सब कुछ समझ में आने लगेगा। एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसा कि अभी एक यूट्यूबर ध्रुव राठी बता रहा था कि ये सब कुछ बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई सीक्रेट भला कैसे रह सकता है। और ध्रुव राठी जैसे एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हैं, जिनको हमारे लोगों की एक बड़ी तादाद फॉलो करती है। मैं इन लोगों को एक नहीं बहुत सारे सबूत दूंगा, और मैं इनको ना तो किसी मूवी से सबूत दूंगा और ना ही किसी फिक्शन की सीरीज और बुक से सबूत दूंगा, बल्कि मैं इनको ऑफिशियली प्रूफ करूंगा। आप लोग ये तो मानते ही हैं कि इल्यूमिनाटी नाम का एक ग्रुप जो एडम विशार्ड के जरिए 1776 में जर्मनी में बनाया गया था, जिसे इल्यूमिनाटी कहा जाता है, और 1776 अमेरिका के डॉलर पर रोमन में क्यों लिखा है, ये चीज मैं आपके लिए सवाल के तौर पर छोड़कर जा रहा हूँ। आप इस पर गौर करें और हिस्ट्री की किताबों से जवाब तलाश करें। आई होप कि अब आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब समझ आ गया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत हो या आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाई जाए तो वीडियो को शेयर कर दें। तो मेरे अजीजों, सोचें समझें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।